गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? विश्वास है कि आप हर एक पल को एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन इस एंजॉयमेंट के साथ आप ये भी नहीं भूले होंगे कि इन्हीं पलों में से कुछ ऐसे पल भी आपको निकालने हैं जिन पलों में आप अपनी लाइफ का जो मकसद है, जो टारगेट है, वो भी आप पूरा कर रहे हो। अर्थात अपनी पढ़ाई भी क्या रख रहे हो आप, कंटिन्यू कर रहे हो आप, तब वो ना भूल रहे हो कि आपको अपना मकसद भी पूरा करना, और मकसद एक ही है, जीवन में सफलता प्राप्त करना। अभी आपके लिए खुशखबरी होगी, आपको पता होगी कि जुलाई से या जस्ट जुलाई के बाद से आपके जितने कोचिंग संस्थान हैं, कॉलेजेस वगैरह क्या हो सकते हैं, ओपन हो सकते हैं, और फिर आप चाहेंगे तो ज़िंदगी को एक रूटीन पर ले आ सकते हैं ताकि चीज़ें धीरे धीरे क्रमबद्ध ऑर्डर में आती जाएं, और जैसे हम जी रहे थे, ईश्वर करे हम वैसे ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो हम भी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आज का हमारा कोट हमारे सामने है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है बच्चों लाइफ में, जो आप समझ सकते हैं कि द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज दैट नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। द ब्यूटिफुल थिंग, सबसे सुंदर जो चीज है अबाउट लर्निंग के बारे में, इज दैट, वो ये है कि नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। कोई भी लर्निंग को, आपके ज्ञान को, आपकी विद्या को आपसे कभी भी छीन नहीं सकता है। यानी जो ज्ञान, जो नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त होती है, उसकी सबसे अच्छी चीजें हैं कि वो ज्ञान आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता है, और वो ज्ञान जिंदगी में हमेशा आपके क्या आएगा, काम आएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, और ये आपका स्ट्रोनिम टेस्ट है, जो जल्दी बच्चों में इसे और एक्सटेंसिव करने जा रहा हूं, इसे और विस्तृत करने जा रहा हूं, ताकि कहीं कहीं आपके लिए थोड़ा सा और लाभदायक हो। ठीक है, वर्ड आपके सामने देख रहे होंगे, पहला वर्ड है आपका इंटरवीन। याद है आपको इंटरवीन का सरनेम क्या हो जाएगा? इंटरवीन मीन्स दखल देना, हस्तक्षेप करना, तो क्या हो जाएगा इंटरवीन का? इंटरशेड हो जाएगा। ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड। बहुत बार लाइफ में आपके बहुत कुछ ऐसा होगा जिस दिन आपको बच्चों जॉब लग जाएगी ना, वो दिन आपका अनप्रेसिडेंटेड होगा, अभूतपूर्व होगा, यूनिक होगा, मीन्स अनप्रेसिडेंटेड, जैसा कोई और न हो, पहले कभी न हुआ हो, मीन्स अनपैरल, अर्थात जैसा दूसरा कोई न हो, वो अनप्रेसिडेंटेड या अनपैरल होता है। डिसमे, जिंदगी में कभी भी आपको इसका सामना न करना पड़े, मीन्स डिसमे ना आए कभी आपके लाइफ में, मीन्स क्या ना आए आपके जीवन में, कभी निराशा ना आए, अर्थात डिसमे का क्या हो जाएगा? कॉन्स्टर्नेशन, निराशा, मीन्स एक फ्रस्ट्रेशन जो होता है वो आपका डिसमे होता है, तो जो कॉन्स्टर्नेशन होता है वो भी क्या होता है? डिसमे होता है। डिसमे याद हो गया, कॉन्स्टर्नेशन, निराशा, वर्ड्स को यूज करें लाइफ में, जैसे हम डिसमे के शिकार नहीं होंगे, मीन्स हम कॉन्स्टर्नेशन के, हम फ्रस्ट्रेशन के शिकार नहीं होंगे, मीन्स निराशा के शिकार नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस कोर्ट कुछ मामलों में क्या करती है? शुवो मोटो कॉग्निजेंस लेती है, स्वतः कॉग्निजेंस लेती है, यानी उस चीज को स्वतः अपनी जानकारी में लेती है। तो यहां कॉग्निजेंस के जो चारों सिनोनिम्स दिए गए हैं, उनमें से बेस्ट आपका क्या होगा? एप्रिहेंशन, किसी चीज की आशंका, किसी चीज की जानकारी कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो कॉग्निजेंस हैविंग नॉलेज ऑफ, मीन्स किसी चीज को जब आप एप्रिहेंशन करने लगते हैं, मीन्स वो आपके कॉग्निजेंस में, आपकी जानकारी में, आपके सोचने समझने के दायरे में आ रही है। रिकॉग्नाइज याद कर लीजिएगा, याद रहेगा आपको। फल्मिनेट आपको याद होगा, फल्मिनेट मीन्स किसी को बहुत सीवियरली क्रिटिसाइज करना, इतना क्रिटिसाइज करना कि इसकी एक दूसरी मीनिंग बन गई, विस्फोट हो जाना, एक्सप्लोड हो जाना। तो फल्मिनेट, सीवियरली क्रिटिसाइज करना मीन्स क्या हो जाएगा? रेंट करना, बिल्कुल प्रलाप करना, मीन्स बहुत अधिक निंदा करना, बोलते रहना किसी को, दिस इज फल्मिनेट, मीन्स रेंट, क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, आलोचना करना, दूसरे भाषा में, दूसरे शब्द में विस्फोट हो जाना या विस्फोट कर देना, यह भी होता है एक्सप्लोजन के सेंस में। अबेंडन बच्चों एक नॉर्मल वर्ड होना चाहिए आपको, अबेंडन त्याग देना, कोई कार्य आप कर रहे हो या फिर कोई आपकी आदत हो, आप उसे छोड़ देते हैं तो आप अबेंडन कर देते हैं। तो अबेंडन का यहां पर जो सिनोनिम है क्या हो जाएगा? रिनाउंस। रिनाउंस क्या होता है? जब आप किसी इच्छा का त्याग कर देते हैं। डिनाउंस क्या होता है? जब आप किसी को सार्वजनिक रूप से निंदा करते हैं। प्रोनाउंस क्या होता है?
जब आप किसी चीज का उच्चारण करते हैं, तो रिनाउंस, डिनाउंस और प्रोनाउंस, ठीक है। तो अबेंडन का रिनाउंस हो जाएगा। लास्ट वर्ड आपका शेम इंटो, शेम इंटो जब आप किसी को शर्मिंदा कर दें, ह्यूमिलिएट कर दें, अपमानित कर दें कि उसे अपनी गलती का एहसास हो और वो उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाए जिसे वो नहीं करना चाहता था। दिस इज शेम इंटो, शर्मिंदा करना, अपमानित कर देना। तो शेम इंटो का क्या हो जाएगा? ह्यूमिलिएट। ध्यान रखिएगा बच्चों, जब आप ये वर्ड देखेगा ना, ह्यूमिलिटी, तो ह्यूमिलिटी क्या होती है? दया को कहते हैं। क्या होता है? दया, कंपैशन को कहते हैं। लेकिन जब आप देखें ह्यूमिलिएट, तो ह्यूमिलिएट क्या होता है? अपमानित करना होता है। और इसमें अगर आप आई ओ एन जोड़ देंगे ह्यूमिलिएशन, तो ये नाउन हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये वोकैब आपके सामने है। पहला वर्ड आप देख रहे होंगे विजिल। अक्सर आपने एक वर्ड सुना होगा विजिलेंस डिपार्टमेंट, है ना, सतर्कता विभाग। तो विजिलेंस या विजिलेंट कैसे बना है? इसी से बना बच्चों, विजिल से। विजिल क्या होता है? जागरण या सतर्कता। जब आप एक ऐसे पीरियड की बात करते हो जब आप यू स्टे अवेक, जागते रहते हो ऑल नाइट, पूरी रात भर, फॉर ए स्पेशल पर्पस, किसी विशेष उद्देश्य के लिए, तो आप विजिल कर रहे होते हैं, मीन्स जागरण कर रहे होते हैं, आप सतर्कता दिखा रहे होते हैं। दिस इज विजिल, मीन्स आप ऑब्जर्वेंस की पीरियड में हैं, आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं, आप सर्विलांश कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। दिस इज विजिल। विजिल से क्या बन जाएगा? जागरण। तो वर्ड आप जानते होंगे ना, और विजिलेंस और विजिलेंट, ये भी वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका ट्रॉमेटिक। ट्रॉमेटिक क्या होता है? जैसे मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, तो उसे ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया था, मीन्स जहां पे चोट वगैरह से संबंधित जो इलाज होते हैं वो ट्रॉमा सेंटर होते हैं। तो उसी से एडजेक्टिव बनाया गया ट्रॉमेटिक। आईसी है, देखिए नॉर्मली आईसी क्या होता है? नॉर्मली, हमेशा नहीं, नॉर्मली एडजेक्टिव हो जाता है। तो ट्रॉमेटिक क्या हो जाएगा? मीन्स जख्म संबंधी, मीन्स चोट से संबंधित, जख्म से संबंधित जो होता है वो ट्रॉमेटिक होता है। मीन्स कॉजिंग डिस्ट्रेस और एंग्जाइटी, मीन्स जो जख्म, निराशा से संबंधित होता है वो ट्रॉमेटिक होता है। ये डिस्टर्बिंग है, ये शॉकिंग है, ये डिस्ट्रेसिंग है, ये एगोनाइजिंग है, मीन्स डैमेजिंग है, ये इंजोरियस है, ये हार्मफुल है। तो ट्रॉमेटिक मीन्स जख्म संबंधी, वो दिल का जख्म भी हो सकता है, मीन्स निराशा भी हो सकती है, और शारीरिक जख्म भी हो सकता है, मीन्स जो दिख भी सकता है। नेक्स्ट वर्ड है रिगोरस। ये भी आपका एडजेक्टिव है। रिगोरस क्या होता है? दृढ़, कठिन, या ये वर्ड आप जानते हैं कठोर। कोई रिगोरस पनिशमेंट का शिकार हुआ है, मीन्स कठोर सजा का शिकार हुआ है। नहीं, रिगोरस का मतलब डन वेरी केयरफुली एंड विद ग्रेट अटेंशन टू डिटेल। जब आप किसी चीज को बहुत ध्यान से, बहुत सतर्कता पूर्वक करते हो, तो आप उस चीज के प्रति रिगोरस हैं, मीन्स क्या है आप? दृढ़ है, कठिन है आप, या कठोर है आप। आप मेटिकुलस हैं, काम आएगा वर्ड आपके। पंक्चुअलियस हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिलीजेंट हैं, जानते हैं आप। प्रिसाइज हैं, सटीक हैं बिल्कुल। एक्यूरेट हैं, सटीक हैं बिल्कुल। नेक्स्ट वर्ड है डिलीजेंस। संजोग से अभी आपने यहां डिलीजेंट पढ़ा है ना, डिलीजेंट, दिस इज डिलीजेंस। डिलीजेंस एक नाउन के रूप में है। किसी शब्द के अंत में अगर ई एन सी ई है या ए एन सी ई है तो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो डिलीजेंस क्या हो जाएगा? कर्मठता या परिश्रमशीलता। किसी के अंदर अगर डिलीजेंस है, उसके अंदर कर्मठता है, परिश्रम करने की भावना है, अर्थात वो डिलीजेंट है, अर्थात कर्मठ है, दृढ़ है वो, अर्थात उसके अंदर एक असिड्यूटी है, मीन्स कर्मठता है, कार्य करने की भावना है। रिगर है, एक दृढ़ता है, इसी से रिगोरस आपने पढ़ा था। एक थारोनेस है, मीन्स पूर्ण रूप से वो समर्पण दिखाता है। अर्नेस्टनेस है, मीन्स गंभीरता है उसके अंदर। तो डिलीजेंस एक नाउन के रूप में क्या है? कर्मठता, परिश्रमशीलता, मीन्स कर्मठ बनने की भावना, परिश्रम करने की भावना डिलीजेंस होती है। नेक्स्ट वर्ड नाउन के रूप में आपको दिया गया है, नाउन के रूप में मैंडेट। मैंडेट कोई शासनादेश, कोई जनादेश, द पावर दैट इज ऑफिशियली गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल
टू डू समथिंग, जब लोगों के समूह को कोई ऐसी शक्ति दी जाए, क्षमता दी जाए आधिकारिक रूप से, तो उन्हें क्या दिया जाता है, मैंडेट दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंडेट ये जो है ये एक नाउन भी है बच्चों, ठीक है, ये जो मैंडेट है ये एक सॉरी वर्ब भी है। मैंडेट में जनादेश देना, निर्देश देना, जब कोई समूह या कोई सरकारी विभाग किसी लोगों को मैंडेट करता है तो उन्हें दिशा निर्देश देता है, इस सेंस में भी आप मैंडेट को यूज करते हैं। यह एक डायरेक्टिव है, निर्देश है, ये एक डिक्री है मीन्स आदेश है, ये एक कमांड है आदेश है, ये एक आर्डर है आदेश है, ठीक है। कहीं भी मैंडेट लगा हो नाउन के रूप में जनादेश हो जाएगा, शासनादेश हो जाएगा, वर्ब के रूप में निर्देश देना, आदेश देना। मिटिगेट आप पहले भी पढ़े होंगे, मिटिगेट वर्ब के रूप में आपका है, मिटिगेट जनरली किसी शब्द के अर्थ में ए टी ई होता है, यहां भी देखिए ए टी ई है, यहां भी ए टी है, लेकिन यहां नाउन के रूप में, इसलिए जनरली मैंने कहा जनरली ए टी ई होता है तो वो क्या होता है, वर्ब होता है। जैसे बहुत सारे वर्ड्स आप जानते हैं, जैसे क्रिएट आप जानते हैं, मैंडेट अभी मैंने बोला, नॉमिनेट आप जानते हैं, देखिए सब वर्ड्स में क्या है, ए टी ई है। बट मस्ट नहीं है बच्चों, हो सकता है कभी अपवाद हो, बट ज्यादातर केसेस में अगर ए टी ई है तो वो आपकी वर्ब होती है आपकी। तो मिटिगेट यहां वर्ब है, मिटिगेट क्या होता है, किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन वगैरह को, एंगर वगैरह को क्या कर देना, मिटिगेट कर देना, कम कर देना, तो उसे एलिविएट कर देना, उसे रिड्यूस कर देना, उसे डिमिनिश कर देना, उसे लेसन, लेस से लेसन ई एन जोड़ करके वर्ब बना दिया गया, लेसन कर देना, वीकन, वीक में ई एन, वीकन कर देना, लाइटन, लाइट में ई एन, लाइटन कर देना, हल्का कर देना, असुवस कर देना मीन्स कम कर देना, दर्द वगैरह को, क्रोध वगैरह को कम कर देना। तो कहीं मिटिगेट है, मिटिगेट हो दर्द या क्रोध वगैरह को क्या करना, अनप्लेजेंट कंडीशन को कम कर देना। कर्टेलमेंट, किसी भी शब्द के अंत में अगर एम ई एन टी है तुरंत कह दें वो क्या है बच्चों, एक नाउन है आपका, ठीक है। तो कर्टेलमेंट यहां पे नाउन हो गया आपका, मीन्स द एक्ट ऑफ कर्टेलिंग। ये वर्ड कैसे बना होगा जानते हैं आप, कर्टेल से बना है, कर्टेल मीन्स काट छांट कर देना, कम कर देना, ठीक है। तो काट छांट या नाउन के रूप में संक्षेपण हो जाएगा, संक्षेप करने का कार्य। ये एक रिडक्शन है, ये एक डिक्रीज है, ये एक डिमिनिशन है, मीन्स क्या है ये आपका, कर्टेलमेंट है। कर्टेलमेंट याद हो जाएगा, काट छांट या संक्षेपण, और वर्ब के रूप में कर्टेल करना मीन्स काट छांट करना, ठीक है। चलिए आपके सामने ये एडिटोरियल है मेरा आपका, ओपन विद कॉशन ऑन अनलॉक वन। ओपन विद कॉशन, कॉशन यहां पे चेतावनी या सावधानी के रूप में, केयरफुलनेस कह सकते हैं आप, यानी यहां केयर के सेंस में, तो ओपन विद कॉशन यानी चेतावनी के साथ, सावधानी के साथ ओपन हुआ है। क्या आप समझते हैं, पूरा देश आपका करीब करीब जो एक लॉकडाउन की पोजीशन थी वो कहीं कहीं बहुत एक तरह से हटा ली गई है, कुछ जगहों पे अभी भी है बट ज्यादातर केसेस में इसे हटा लिया गया है। तो ऑन अनलॉक वन यानी जैसे आप लॉकडाउन वन टू थ्री फोर पढ़ रहे थे वैसे आप ये अनलॉक वन पढ़ रहे हैं, यानी ये पहला फेज है आपका अनलॉक का, जिसमें सरकार देखेगी कि रिस्पांस क्या हो रहा है। अ रिजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एसेंशियल बट द विजिल ऑन द वायरस मस्ट रिमेन। पहले वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे आपने ए देखा तुरंत समझ जाए एक डिटरमिनर या आर्टिकल हो जाएगा, जैसे रिजम्पशन आपने देखा लास्ट में टी आई ओ एन देखा आपने तो तुरंत समझ जाए क्या हो जाएगा, वर्ब नाउन हो जाएगा, सॉरी नाउन हो जाएगा, वैसे भी सब्जेक्ट है तो ये नाउन का कार्य करेगा। आप जानते हैं प्रीपोजिशन हो जाएगा, आफ के बाद जो आएगा फ्रेज वो नाउन ही रहेगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मिलके क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा, जिसमें एक्टिविटी नाउन हो जाएगा, आई टी वाई लगा है और इकोनॉमिक में देखे आई सी लगा है तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। इज आप जानते हैं यहां मेन वर्ब के रूप में क्योंकि इसके आगे कोई एक्शन वर्ब नहीं, इसेंशियल यहां एक एडजेक्टिव है, इसेंस होता है ना बच्चों, ये इसेंस, इसेंस को जब एडजेक्टिव बनाया गया ए एल जोड़ा गया, ये जो
सी ई था, ये टी आई ए एल हो गया, इसेंशियल, आवश्यक हो गया। इसेंस मीन्स एक किसी चीज का सार, आवश्यकता, जो चीज आवश्यकता के अंतर्गत आती है वो इसेंस के अंतर्गत आते हैं, उसी से एडजेक्टिव बना दिया गया, इसेंशियल हो गया। बट आप जानते हैं यहां पे कंजंक्शन है, द विजिल, द के बाद विजिल है, विजिल के बाद यहां पे प्रीपोजिशन है, इसका मतलब विजिल यहां क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, तो द क्या हो जाएगा, आर्टिकल या डिटरमिनर हो जाएगा। आन आप जानते हैं यहां प्रीपोजिशन है, द वायरस आप जान रहे हैं वायरस एक नाउन है, तो द क्या हो जाएगा, फिर से डिटरमिनर या आर्टिकल हो जाएगा। मस्ट आप जानते हैं यहां पर क्या है, एक मॉडल है, तो मॉडल के बाद रिमेन क्या हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब हो जाएगी आप, ठीक है। तो करें और रिजम्पशन, रिजम्पशन याद है ना, फिर से शुरुआत यानी पुनरारंभ, फिर से आरंभ। और रिजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर्थिक गतिविधि, यानी आर्थिक गतिविधि की जो रिजम्पशन है, पुनः शुरुआत है, इज इसेंशियल, वो क्या है, जरूरी है, आवश्यक है। बट लेकिन द विजिल, विजिल याद हो गया सतर्कता, बट द विजिल, लेकिन जो सतर्कता है ऑन द वायरस, किस चीज को लेकर के, वायरस को लेकर के, मस्ट रिमेन, वो सतर्कता मस्ट रिमेन, अभी भी क्या रहनी चाहिए, अवश्य ही रिमेन रहनी चाहिए, मीन्स बनी रहनी चाहिए। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसकी जो रिजम्पशन है, शुरुआत है, फिर से इज इसेंशियल, वो आवश्यक है, जरूरी है। बट लेकिन द विजिल ऑन द वायरस, लेकिन वायरस पर जो सतर्कता है हमारी, मस्ट रिमेन, वो अभी भी कायम रहनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। बच्चों आप समझ रहे होंगे, जैसे ही आप ये समझें कि यह टोन के रूप में कहां जा रहा होगा, तो जब आप पूरा एडिटोरियल पढ़ लेंगे तो आपको दो चीज समझ में आएंगे। लेखक जो है कहीं कहीं वो सजेस्टिव है, वो सुझाव दे रहा है, लेकिन सजेस्टिव के साथ साथ एक और तत्व आप देखेंगे, किससे इसका, वो कहीं कहीं ऑप्टिमिस्टिक है, मींस क्या है, वो आशावादी, यानी सजेशन के साथ साथ वो ऑप्टिमिज्म भी शो कर रहा है कि कुछ चीजें प्लस हो सकते हैं या हो रही हैं बच्चों, ठीक है। और अगर आप इस समझना चाहेंगे किस बारे में है, तो आप समझ सकते हैं कि यहां पे आपको लॉकडाउन वन की बात की जा रही है। आप समझ सकते हैं चार फेजेस में लॉकडाउन को इस पूरे भारत ने एक तरह से झेला है बच्चों, सफर किया है। तो अब 1 जून से, कल से आपको अनलॉक वन में जीना पड़ रहा, अर्थात एक तरह से कहीं कहीं आप पॉजिटिव अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ साथ कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो भारतीय लोगों को, सभी भारतीयों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि फ्रीडम जो होती है ना, कहीं कहीं वो गलतियों की तरफ भी ले जाती है, एरर्स की तरफ लेकर जाती है। तो जब आने जाने की पूरी तरह से छूट मिल जाएगी, तो आप इस समझते होंगे कि इन्फेक्शन को भी आने जाने की छूट मिल जाएगी। तो अभी जो इन्फेक्शन का दायरा कम था, जो इन्फेक्शन अभी इतना नहीं फैल रहा था, वो इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा फैलेगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, जहां मैं इस समय हूं उस शहर में अभी कुछ दिन पहले 14, 15, 16 के आसपास केसेस थे, और इधर कुछ एक दिनों में 94 से हम ऊपर चले गए। क्यों? क्योंकि जब लोग बड़े बड़े शहरों से, मुंबई से, गुजरात अहमदाबाद से, कलकत्ता वगैरह से, दिल्ली वगैरह से आएंगे, तो निश्चित ही वो अपने साथ जो लोग इन्फेक्शस है, मीन्स कंटाजियस है, वो अपने साथ कहीं कहीं संक्रमण भी, इन्फेक्शन भी लेकर आएंगे, और वो दूसरों को भी बांटेंगे। क्यों बांटेंगे? क्योंकि आप देख रहे होंगे ज्यादातर लोग इस चीज को लेकर बहुत सीरियस नहीं है। दिस इज व्हाट सजेस्टिव, यानी लेखक कहीं कहीं ये सजेशन देना चाह रहा है कि हमें इन चीजों के प्रति कहीं कहीं सावधान रहना चाहिए। केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकारों को भी कहीं कहीं जो इंडिविजुअल क्वारंटाइन है उसे ज्यादा सख्ती से लागू करना चाहिए, कि इन चीजों को अभी फोकस करते रहना है। आप जानते हैं जो 13 सबसे संक्रमित शहर हैं, जहां इन्फेक्शन सबसे अधिक है, उन 13 शहरों में अभी भी लॉकडाउन रहेगा। वहां भी कोई भी जो रिलैक्सेशन है वो नहीं दे करके अभी वहां रेस्ट्रिक्शन ही लागू रहेंगे। तो फिर जो शहर खुल जाएंगे बच्चों, उनके लिए कहीं कहीं खतरा रहेगा। फिर भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो लोग अपनी जॉब्स वगैरह खो चुके थे, जो ऑफिस वगैरह जिनके बंद हो चुके थे, वो धीरे धीरे रूटीन पर आ रही, पटरी पर आ रही, जो चाहे कहीं के हमें एक ऑप्टिमिज्म की तरफ
आशावाद की तरफ ले जा रही हैं कि हम एक शायद हमारा जीवन जो है वो पटरी पर आने लगा है, मैं धीरे धीरे चीजें रूटीन में आने लगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बताया जा रहा हमको। करें इट इज अ ट्रुथ, यह एक सच्चाई है, जैसे ए आपने देखा तुरंत समझ जाए ट्रुथ यहां नाउन है बच्चों। इट इज अ ट्रुथ, यह एक सच्चाई है यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड। अभी ट्रुथ तो एक्नॉलेज नहीं करेगा ना, ट्रुथ को एक्नॉलेज किया जाएगा, ट्रुथ को स्वीकार किया जाएगा। इसका मतलब एक्नॉलेज्ड यहां एडजेक्टिव के रूप में है, तो हम कैसे बोलें, इट इज अ ट्रुथ विच इज, क्या हो जाएगा, विच इज अ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड। यूनिवर्सली क्या हो जाएगा यहां पे एडवर्ब, एक्नॉलेज्ड क्या हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव। यानी यह एक ऐसी सच्चाई है यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड, अर्थात विच इज यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड, जिसे सार्वभौमिक तौर पे यानी हर जगह एक्नॉलेज्ड स्वीकार किया जाता है। नाउ, अब, नाउ क्या होता है एडवर्ब, यानी अब ये हर जगह स्वीकार किया जाता है दैट की द सीवियर रेस्ट्रिक्शंस, सीवियर रेस्ट्रिक्शंस यानी जो कठोर प्रतिबंध थे टू कंटेन कोविड 19, कंटेन याद है नियंत्रित करना, यानी कोविड 19 को नियंत्रित करने के लिए जो कठोर प्रतिबंध लागू किए गए थे प्रोड्यूस्ड, उन कठोर प्रतिबंधों ने प्रोड्यूस्ड ट्रॉमेटिक डिस्प्लेसमेंट, कहीं कहीं उन्होंने प्रोड्यूस किया, उन प्रतिबंधों ने प्रोड्यूस किया ट्रॉमेटिक डिस्प्लेसमेंट, मीन्स कहीं कहीं दर्द भरा कष्ट भरा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, तो उन्होंने कहेंगे दर्द भरा विस्थापन प्रोड्यूस किया ऑफ द वीकेस्ट सेक्शन, किसके लिए द वीकेस्ट सेक्शन, यानी उस सेक्शन के लिए जो वीकेस्ट है सबसे कमजोर वर्ग, यानी सबसे कमजोर वर्ग के लिए कहीं कहीं ट्रॉमेटिक डिस्प्लेसमेंट यानी एक दयनीय रूप से विस्थापन हुआ जिस चीज को प्रोड्यूस किया किसने, उस सेवियर रेस्ट्रिक्शंस ने, कठोर प्रतिबंधों ने। वाइल, जबकि दूसरी तरफ द चेक यानी जो निगरानी थी, जो रोकथाम की प्रक्रिया थी ऑन इन्फेक्शन स्प्रेड, किस पर, उस संक्रमण के फैलने पर, वाज मॉडेस्ट, वो रोकथाम की जो भावना थी वाज मॉडेस्ट, वो क्या थी, बहुत साधारण थे, सामान्य स्तर पर थे, मॉडेस्ट मीन्स साधारण लेवल का, ऑर्डिनरी लेवल का। फिर से देखें बच्चों, करें इट इज अ ट्रुथ, यह एक सच्चाई है यूनिवर्सली एक्नॉलेज, जिसे सार्वभौमिक रूप पे अब स्वीकार किया जाता है दैट की द सीवियर रेस्ट्रिक्शंस टू कंटेन कोविड 19, कोविड 19 को प्रतिबंधित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए जो कठोर प्रतिबंध लागू किए गए थे प्रोड्यूस्ड ट्रॉमेटिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वीकेस्ट सेक्शन, उन्होंने यानी उन कठोर प्रतिबंधों ने सबसे कमजोर तबकों के लिए, तबके के लिए, सबसे कमजोर वर्ग के लिए दयनीय रूप से एक विस्थापन की अवस्था को क्या किया, उत्पन्न किया, जबकि द चेक ऑन इन्फेक्शन स्प्रेड, जबकि इन्फेक्शन स्प्रेड यानी संक्रमण के फैलने को लेकर जो चेक की प्रक्रिया थी, उन्हें रोकथाम की प्रक्रिया थी वाज मॉडेस्ट, वो क्या थे, बिल्कुल साधारण स्तर के थे। द सेंटर्स मूव, एडिटोरियल एक ऐसी चीज बच्चों मैं फिर कहूंगा, रोज मैं कहूंगा, आप न पारंगत हो गए वर्ड पावर वगैरह में तो आप कहिएगा। अब देखिए जैसे मूव आपने देखा, जैसे सेंटर्स के बाद मूव देखा, तुरंत समझ जाइए क्या है यहां पे, नाउन है, नाउन मतलब कदम हो जाएगा ना, यानी द सेंटर्स मूव, केंद्र सरकार का कदम, स्टेप फॉर अ फेज्ड अनलॉकिंग, फेज्ड मीन्स चरणबद्ध, चरणबद्ध यानी एक एक चरण अनुसार, अनलॉकिंग यानी अनलॉक यानी खोलने का कार्य, किस चीज को खोलने का कार्य, ऑफ पब्लिक एक्टिविटी यानी सार्वजनिक गतिविधि को, यानी सार्वजनिक गतिविधि को फेज्ड अनलॉकिंग, चरणबद्ध खोलने का जो कार्य है आफ्टर द रिगोरस लॉकडाउन, किसके बाद, आफ्टर द रिगोरस लॉकडाउन, कठोर लॉकडाउन के बाद, कठोर लॉकडाउन के बाद अब क्या हुआ है, पब्लिक एक्टिविटी को फेज्ड अनलॉकिंग यानी चरणबद्ध रूप से खोल दिया गया है,
सिंस मार्च 25, और ये बच्चों लॉकडाउन सीवियर रिगोरस लॉकडाउन कब से था? 25 मार्च से, नहीं 25 मार्च से जो रिगोरस लॉकडाउन था, कठोर लॉकडाउन का जीवन हम लोग जी रहे थे, उसके बाद अब पब्लिक एक्टिविटी को क्या कर दिया गया है? फेज्ड अनलॉकिंग, चरणबद्ध रूप से खोल दिया गया, ओपन कर दिया गया है। तो अब ये जो फेज्ड अनलॉकिंग है सेट्स द स्टेज, यह एक ऐसा स्टेज तैयार कर रही है फॉर पीपल, लोगों के लिए टू रिज्यूम देयर जॉब्स, जिसमें वो अपनी जॉब्स को क्या कर सकते हैं? रिज्यूम, फिर से शुरू कर सकते हैं, एंड अंडरटेक सम ट्रेवल, और कुछ क्या कर सकते हैं? यात्रा भी कर सकते हैं। यानी अब एक ऐसा स्टेज सेट हो रहा है 25 मार्च से जो रिगोरस लॉकडाउन था उसके बाद, अब एक ऐसा स्टेज सेट हो रहा है जिसमें लोग अपनी जॉब को रिज्यूम कर सकते हैं, फिर से शुरू कर सकते हैं, और फिर से कुछ ना कुछ क्या कर सकते हैं? वो यात्रा भी कर सकते हैं। ठीक है, द अनलॉक वन प्लान, यानी जो अनलॉक वन का जो प्लान है, योजना है, शुड एंश्योर, इस वर्ष आसान हो गए बच्चों, एंश्योर सुनिश्चित कर देना, और ये भी याद हो गया होगा मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एग्जाम में आपको यहां पे इंश्योर लिख दे तो आप समझ जाए गलत हो जाएगा, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो द अनलॉक वन प्लान, अनलॉक फर्स्ट की जो प्लान है, योजना है, शुड इंश्योर, वो क्या करना चाहिए? उसे सुनिश्चित करना चाहिए अ केयरफुल रीस्टार्टिंग ऑफ एक्टिविटीज, कि हमारी जो एक्टिविटीज हो, हमारे जो कार्य हो, गतिविधियां हो, केयरफुल रीस्टार्टिंग अर्थात उन्हें बहुत सावधानी पूर्वक हम क्या करें? फिर से शुरू करें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच, जिन गतिविधियों में से सबसे जरूरी जो है वो क्या है? इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड एवरीडे सर्विसेज, जिनमें सबसे जरूरी क्या है? द डिलीवरी ऑफ गुड्स, सामान वगैरह जो हमें डिलीवरी होते हैं, हमें दिए जाते हैं, बांटे जाते हैं, एंड एवरीडे सर्विसेज, और जो प्रतिदिन की सेवाएं बहाल की जाती हैं, इंक्लूडिंग किस चीज के सहित, किस चीज को शामिल करके? हेल्थ सर्विसेज, यानी स्वास्थ्य सेवाएं भी हमें मिलती रहे एवरीडे सर्विसेज के साथ और डिलीवरी ऑफ गुड्स के साथ, वो स्वास्थ्य सेवाएं अनरिलेटेड टू कोविड-19 इंफेक्शन, यानी कोविड-19 के जो इंफेक्शन हैं, यानी जो संक्रमण है, उनसे जो अनरिलेटेड है, उनसे जो संबंधित नहीं है, वैसी स्वास्थ्य सेवाएं भी हमें, यानी लोगों क्या होती रहे? मिलती रहे, यानी गुड्स की डिलीवरी होती रहे अच्छी तरीके से, एवरीडे सर्विसेज की डिलीवरी अच्छी तरीके से होती रहे, और हेल्थ सर्विसेज की डिलीवरी अच्छी तरीके से होती रहे, वो हेल्थ सर्विसेज अनरिलेटेड टू कोविड-19 इंफेक्शंस, जो कोविड-19 के इंफेक्शन से क्या हो? संबंधित तो न हो। लेटेस्ट डेटा, यानी यहां लेटेस्ट से पहले बच्चों द भी लग सकता था, द लेटेस्ट डेटा, यानी लेटेस्ट डेटा सिंस द वायरस सरफेस्ड इन द कंट्री, सरफेस समझते होंगे धरातल, सतह, और यहां सरफेस को वर्ब के रूप में यूज किया गया, यानी धरातल पर आया, सतह पर आया, में सामने आया, यानी लेटेस्ट डेटा, वो लेटेस्ट हालिया जो डेटा है, आंकड़े हैं, सिंस द वायरस सरफेस्ड इन द कंट्री, जब से वायरस धरातल पर आया हमारे देश में, नहीं, हमारे देश में जब से ये वायरस धरातल पर आया तब से जो लेटेस्ट डेटा है, जो हाल के आंकड़े हैं, शो, देखिए डेटा को यहां प्लूरल में यूज किया गया है ना, वो आंकड़े दिखाते हैं दैट की 13 सिटीज की, जो 13 शहर हैं, इंक्लूडिंग सम ऑफ द बिगेस्ट मेट्रो, इंक्लूडिंग याद हो गया होगा, यानी कुछ जो बड़े मेट्रोज हैं, महानगर हैं, यानी कुछ बड़े महानगरों को शामिल करके, कुछ बड़े महानगरों सहित जो 13 शहर हैं, होस्ट 70% ऑफ द केसेस, वो सारे केसेस का 70% केसेस होस्ट करते हैं, अर्थात 70% केसेस इन्हीं 13 शहरों में हैं, वो 13 शहर जिनमें कुछ बड़े महानगर भी क्या हैं? शामिल हैं। एंड और मेनी ऑफ द अर्लियर रेस्ट्रिक्शंस, मेनी ऑफ द, जब भी मेनी ऑफ हो तुरंत समझ जाए मेनी यहां पे प्रोनाउन की तरह यूज किया गया, मेनी ऑफ द अर्लियर रेस्ट्रिक्शन, और जो
पहले के रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंध थे उनमें से बहुत सारे विल कंटिन्यू देयर, उन 13 शहरों में अभी भी क्या रहेंगे, जारी रहेंगे, चलते रहेंगे। किन 13 शहरों में? वो 13 शहर जिनमें कुछ बड़े महानगर भी हैं और वो 13 शहर जिनमें करीब सारे केसेस के 70% केसेस होस्ट वो मेजबानी करते हैं, अर्थात वहीं पर वो 70% केसेस हैं। रिटेनिंग कर्व्स, रिटेन बच्चों बनाए रखना, मेंटेन करना। कर्व्स याद हो गया आपको, जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे होंगे याद हो गया, लगाम नियंत्रण होता है ना। तो रिटेनिंग कर्व्स ऑन बिग गैदरिंग्स, यानी बड़ी बड़ी जो गैदरिंग्स हैं, जलसे हैं, समूह हैं, इकट्ठा होने का कार्य है, इन पर जो रिटेनिंग कर्व्स नियंत्रण बनाए रखना, यानी बड़े बड़े समूहों पर जहां लोग इकट्ठे होते हैं उन पर नियंत्रण बनाए रखना, सच एज जैसे कि इन रिलीजियस प्लेसेस, यानी जैसे धार्मिक स्थानों पर, यानी धार्मिक स्थानों जैसे स्थानों पर जो बिग गैदरिंग्स होते हैं इन पर नियंत्रण बनाए रखना, लगाम रखना इज रीजनेबल, ये निश्चित ही क्या है, तर्कसंगत है, सही है। यानी अगर बड़ी बड़ी जो गैदरिंग्स होती हैं, स्पेशली जो रिलीजियस प्लेसेस पे होती है, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चेज में, गुरुद्वारे में, ऐसे स्थानों पे जो रिटेनिंग कर्व्स हैं, अभी भी जो नियंत्रण यानी प्रतिबंध लगाए गए हैं इज रीजनेबल, वो क्या है, सही है, तर्कसंगत है, गिवेन द हिस्ट्री। किस चीज को ध्यान में रखते हुए? इतिहास को ध्यान में रखते हुए। कौन सा इतिहास? ऑफ दीज साइट्स, साइट्स मीन्स स्थान, यानी इन स्थानों के इतिहास को ध्यान में रखते हुए कि अनविटिंगली, कि अनजाने में ही ये जो स्थान है बिकमिंग सुपर स्प्रेडर्स, ये सुपर स्प्रेडर्स बनते जा रहे हैं, यानी यहां से सबसे अधिक संक्रमण क्या होता जा रहा है, फैलता जा रहा है। तो इस इतिहास को ध्यान में रखते हुए ऐसे रिलीजियस प्लेसेस वगैरह पे जहां बड़ी बड़ी गैदरिंग्स होती हैं, अगर वहां पे कुछ नियंत्रण, कुछ लगाम लगाई जा रही है तो इज रीजनेबल, वो क्या है, बिल्कुल सही है, तर्कसंगत है। बट लेकिन स्टेट्स मस्ट, जैसे मस्ट देखा ना तुरंत समझ ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर वर्ब आएगी तो। बट लेकिन स्टेट्स मस्ट शो डिलीजेंस, डिलीजेंस बच्चों किसी चीज में अपना परिश्रम दिखाने का जो कार्य होता है वो डिलीजेंस, लगन जिसको आप कहते हैं ना वो डिलीजेंस होता है। तो बट स्टेट्स, लेकिन जो राज्य हैं मस्ट शो डिलीजेंस, इन राज्यों को निश्चित ही लगन यानी परिश्रम करने की जरूरत है इन एक्टिवली टेस्टिंग एंड क्वारंटाइनिंग इंडिविजुअल्स इन सिटीज, कि ये जो राज्य हैं शहरों में जो इंडिविजुअल्स हैं, लोग हैं, इनको एक्टिवली टेस्टिंग करें, यानी सक्रिय होकर इनका टेस्ट करें एंड क्वारंटाइनिंग, और क्या करें, इनका क्वारंटाइन करने का कार्य करें। ध्यान रखिए बच्चों, जैसे यहां देखिए एक्टिवली के बाद टेस्टिंग है ना, इन प्रीपोजिशन था तो इन टेस्टिंग एंड, तो एंड के बाद भी देखिए क्वारंटाइन में क्या जोड़ दिया गया, आईएनजी। अगर एग्जाम में यही ऐसे होता इन एक्टिवली टेस्टिंग एंड क्वारंटाइन तो गलत हो जाता, क्योंकि इनसे आपने दो शब्दों को जोड़ा, टेस्टिंग को, तो एंड के बाद जो आएगा वो भी क्या होगा, आईएनजी में ही आएगा। अगर यहां पे टेस्ट होता तो फिर यहां क्वारंटाइन हो जाता, लेकिन टेस्ट कैसे होता, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब प्लस क्या आएगा ना, वर्ब प्लस आईएनजी आ जाएगा। चलिए फिर से देखें, करें लेकिन जो राज्य है मस्ट शो डिलीजेंस, इन्हें निश्चित ही लगन यानी कहीं कहीं ध्यान रखने की आवश्यकता है इन एक्टिवली टेस्टिंग एंड क्वारंटाइनिंग इंडिविजुअल्स, कि जो लोग हैं इनको सही तरीके से उनका टेस्ट किया जाए, उनको क्वारंटाइन किया जाए इन सिटीज, उन शहरों में विद हाई इंसिडेंस, इंसिडेंस घटना, यानी जहां पे हाई इंसिडेंस ज्यादा घटनाएं हुई हैं, ऐसे शहरों में लोगों को क्या किया जाए, क्वारंटाइन करने का कार्य और टेस्ट करने का कार्य एक्टिवली सक्रिय होकर किया जाए टू सिग्निफिकेंटली कंट्रोल, ताकि महत्वपूर्ण रूप से अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके द स्प्रेड, इस इंफेक्शन के फैलाव को। ठीक, हाफ हार्टेड अप्रोचेस, हाफ हार्टेड बच्चों अधमने ढंग से, हाफ हार्टेडली यानी हाफ हार्टेड अप्रोचेस,
यानी अधमने ढंग से जो अप्रोचेज हैं, यानी जो सोच है, दृष्टिकोण है, यानी अगर आप आधे मन का दृष्टिकोण दिखाते हैं टू इंप्लीमेंटिंग द मेजर्स, यानी यहां टू के बाद देखे बच्चों आईएनजी आ गया इंप्लीमेंट में, इसका मतलब टू यहां पे इंफिनिटिव नहीं है, प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ हार्टेड अप्रोचेस, अगर आप अधमना यानी अधमनी ढंग का दृष्टिकोण दिखाते हो, टू किसके प्रति, इंप्लीमेंटिंग द मेजर्स, उपायों को लागू करने में मैंडेटेड, यानी विच आर मैंडेटेड, जिन उपायों को का दिशा निर्देश दिया गया हो बाय द नेशनल डायरेक्टिव्स फॉर कोविड 19 मैनेजमेंट, समझ रहे होंगे बच्चों, यानी नेशनल डायरेक्टिव्स फॉर कोविड 19 मैनेजमेंट के द्वारा जो मैंडेट किया गया हो, दिशा निर्देश दिया गया हो, वैसे उपायों को सही तरीके से लागू करने में अगर आप हाफ हार्टेड अप्रोच दिखाते हैं, यानी अधमनी ढंग का दृष्टिकोण दिखाते हैं, कौन सा निर्देश बच्चों, सच एज, जैसे कि दोज ऑन फेस कवर, जैसे कौन से निर्देश, कि आप हमेशा चेहरे को ढक करके रखें, फिजिकल डिस्टेंसिंग इन पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस पे क्या हो आप फिजिकल डिस्टेंसिंग शो करें, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स, और कहा जो दुकानें हैं एंड एस्टेब्लिश और जो प्रतिष्ठान हैं यहां पर फेस कवर रखें, पब्लिक डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, स्पिटिंग थूकने से बचें, एंड गैदरिंग इन लार्ज नंबर्स, और बड़ी संख्या में समूह बनाने से, इकट्ठा होने से बचें, तभी यानी अगर ये सारी चीजें कैन ओनली वर्सन द क्राइसिस, यानी अगर आपने ऐसा हाफ हार्टेड अप्रोचेस दिखाया, अधमने ढंग का अप्रोच दिखाया, दृष्टिकोण दिखाया, तो कैन ओनली वर्सन द क्राइसिस, तो ये स्थिति, ये जो संकट है, वर्सन, ये और अधिक क्या हो जाएगा, बदतर हो जाएगा, स्पेशली विद रिजम्पशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, विशेष रूप से किसके साथ, रिजम्पशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी फिर से क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फिर से शुरुआत हो रही है, तो अगर आपने अधमने ढंग का अप्रोच दिखाया तो कैन वनली वर्सन द क्राइसिस, तो फिर ये क्राइसिस और अधिक क्या होनी है, बदतर ही होनी है। सिटीजन्स, वो नागरिक who have accepted a severe curtailment of liberties during the lockdown, citizen, बच्चों जैसे आपने citizen बाद who देख लिया, दिमाग में एक चीज आ जाए, subject कभी verb नहीं आई है, तो बना के रखें कि verb कहां आएगी, उसके हिसाब से उसे देखें हमेशा, ठीक है। यानी वो citizens, वो नागरिक who have, देखिए citizens plural था तो who के साथ have आ गया, ठीक है, who के स्थान पे आप चाहते तो that भी ले सकते थे। सिटीजन्स हु हैव एक्सेप्टेड, यानी उन नागरिकों ने जिन्होंने स्वीकार किया है, हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म, जिन्होंने स्वीकार किया है सीवियर कर्टेलमेंट, सीवियर बहुत ज्यादा कर्टेलमेंट, कटौती, यानी जिन्होंने उस कठोर कटौती को स्वीकार किया है ऑफ लिबर्टीज, किस चीज में कटौती को, अपनी स्वतंत्रताओं में, ड्यूरिंग द लॉकडाउन, किसके दौरान, लॉकडाउन के दौरान, यानी लॉकडाउन के दौरान अपनी दी गई स्वतंत्रताओं में जिन्होंने बहुत अधिक कर्टेलमेंट को खुशी खुशी स्वीकार किया है, ऐसे सिटीजन्स कैन बी परसुएडेड, उन्हें क्या किया जा सकता है, पैसिव एक्शन, कैन बी परसुएडेड, उन्हें मनाया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है टू एडॉप्ट, कि वो अपनाएं अ हेल्दी पब्लिक बिहेवियर कोड, कैसा आचरण अपनाएं वो, हेल्दी पब्लिक बिहेवियर, यानी वो एक ऐसा आचरण अपनाएं जिसमें उनका पब्लिक बिहेवियर, सार्वजनिक जो व्यवहार है, हेल्दी, स्वस्थ हो, अच्छा हो, यूजिंग, किस चीज का उपयोग करते हुए, यूजिंग मेजर्स, यानी वो ऐसे उपायों का उपयोग करें दैट आर सिविल, जो उपाय सभ्यतापूर्ण हो, येट फर्म, फिर भी क्या हो, दृढ़ हो, यानी ऐसे लोग जिन्होंने सीवियर कर्टेलमेंट को स्वीकार किया, यानी जो तैयार रहे कि हम किसी भी प्रकार की अपनी स्वतंत्रता में कटौती के लिए तैयार हैं ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान ऐसे लोगों को कैन बी परसुएडेड, तैयार किया जा सकता, मनाया जा सकता है टू अडॉप्ट अ हेल्दी पब्लिक बिहेवियर कोड, कि वो एक ऐसा आचरण अपनाएं
जो पब्लिक बिहेवियर यानी सार्वजनिक व्यवहार के दृष्टिकोण से हेल्दी हो, स्वस्थ व्यवहार हो, अच्छा व्यवहार हो, और वो यूजिंग मेजर्स, वो ऐसे उपायों का वो उपयोग करें दैट आर सिविल, जो सभ्यतापूर्ण हो येट फर्म, लेकिन वो उपाय कैसे हो बिल्कुल दृढ़ हो कि उन्हें ऐसा करना ही होगा. इवन विद द ईजिंग ऑफ द लॉकडाउन, समझ रहे हो बच्चों, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना सीख लें आप धीरे धीरे, वर्ड्स तैयार करें और लाइनों को समझना सीखें क्या कहा जा रहा है इसके माध्यम से, समझ रहे होंगे. लॉकडाउन को ईजिंग करने के साथ अर्थात इन्हें राहत देने के साथ, आसान बनाने के साथ, लॉकडाउन को राहत देने के साथ द सीवियर इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारा गंभीर इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन था. कॉन्ट्रैक्शन मीन्स बच्चों कॉन्ट्रैक्ट करने का कार्य होता है, संकुचित होने का कार्य होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन का एक और अर्थ होता है प्रेशर, दबाव. तो इवन विद द ईजिंग ऑफ द लॉकडाउन, यानी अब जब लॉकडाउन को क्या किया जा रहा है, ईज किया जा रहा है, इसमें आसान किया जा रहा है, राहत दी जा रही है, तो द सीवियर इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, जो कठोर आर्थिक दबाव था कॉज्ड बाई, जो किसके कारण हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ था, लॉस ऑफ जॉब्स, यानी नौकरियों के खोने के कारण जो एक सीवियर इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, यानी कहीं कहीं बहुत अधिक आर्थिक दबाव पड़ रहा था, रिक्वायर्स, उसे जरूरत है गवर्नमेंट्स टू डिमॉन्स्ट्रेट, कि सरकारें डिमॉन्स्ट्रेट करें, प्रदर्शित करें एज मच कमिटमेंट, इतनी अधिक प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, डिवोशन, डेडिकेशन, यानी इतनी अधिक प्रतिबद्धता प्रदर्शित करें टू मिटिगेटिंग मिजरी. जैसे टू के बाद आपने मिटिगेटिंग देखा, तुरंत समझ जाएं ये यहां क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं हो करके आपका टू यहां प्रीपोजिशन है, और मिटिगेटिंग यहां क्या हो जाएगा आपका एक तरह से, यानी वो मिटिगेट, वो मिजरी जो मिटिगेट हो रही है, अर्थात क्या हो रही है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है यहां पे. फिर से बच्चों देख लें लाइन, ये करें इवन विद द ईजिंग ऑफ द लॉकडाउन, समझ रहे होंगे, यानी लॉकडाउन धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, ईज होता जा रहा है, राहत मिलती जा रही है, तो द सीवियर इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, तो जो वो बहुत ज्यादा जो आर्थिक दबाव पड़ रहा था किस वजह से, कॉज्ड बाई लॉस ऑफ जॉब, जो आर्थिक दबाव हमारे ऊपर किसी वजह से पड़ रहा था, कॉज्ड बाई लॉस ऑफ जॉब, क्योंकि हमारी नौकरियां क्या हो गई थी, खो गई थी, चली गई थी. अब इस प्रकार का जो सीवियर इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन है ना, रिक्वायर्स, उस आर्थिक दबाव के लिए जरूरत है गवर्नमेंट्स की, जो सरकारें हैं, टू डेमोंस्ट्रेट एज मच कमिटमेंट, वो बहुत अधिक क्या दिखाएं, कमिटमेंट दिखाएं, प्रतिबद्धता दिखाएं टू मिटिगेटिंग मिजरी, किस चीज को कम करने के लिए, उस दर्द को, दुख को, परेशानी को कम करने के लिए, एज टू कंटेनिंग इन्फेक्शन, जितना अधिक वो प्रतिबद्धता दिखा रही है कंटेनिंग इन्फेक्शन, संक्रमण को क्या करने के लिए, रोकने के लिए, नहीं, संक्रमण को रोकने के लिए जो कमिटमेंट दिखा रही है, वही कमिटमेंट को क्या करने के लिए दिखाएं, उस मिजरी को मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए भी दिखाएं. कौन सी मिजरी, जो उस इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आई है, और वो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन क्यों आया, क्योंकि हमारी नौकरियां जो थी वो लॉस क्या हो गई, चली गई. जेन्युइनली यूनिवर्सल पीडियस, जेन्युइनली क्या है, यहां पे एडवर्ब हो जाएगा, यूनिवर्सल क्या हो जाएगा, एल है ना, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, पीडीएस यहां क्या हो जाएगा, नाउन, याद है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. करें अ जेन्युइनली यूनिवर्सल पीडियस, यानी एक अच्छे प्रकार का यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो हमारी है, विद एडिक्वेट सप्लाइज, जिसमें पर्याप्त रूप से सप्लाई की जाती हो ऑफ फूड ग्रेन, किस चीज की, अनाज की, इंश्योरिंग, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता हो दैट की नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड, कि कोई भी उस फूड ग्रेन को प्राप्त करने से कोई भी वंचित न रह जाए, पीछे न छूट जाए, मस्ट बी प्रोवाइडेड इन ऑल स्टेट्स. और ये पीडीएस जो है, अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है हमारी, मस्ट बी प्रोवाइडेड इन ऑल स्टेट्स, उसे हर राज्य में मस्ट बी प्रोवाइडेड, जरूर ही प्रदान किया जाना चाहिए.
ताकि कोई भी उससे छूट न जाए। कैश सप्लीमेंट, सप्लीमेंट्स मैंने बताया था बच्चों आपूर्ति, किसी कमी को पूरा करने का कार्य। कैश सप्लीमेंट्स यानी जो नकद आपूर्ति है शुड रीच ऑल इंटेंडेड इंटेंडेड बेनिफिशरीज, बेनिफिशरीज लाभार्थी, इंटेंडेड टारगेटेड अर्थात जिनको मिलना चाहिए, यानी जो कैश सप्लीमेंट्स कैश की आपूर्ति है शुड रीच, वो आपूर्ति पहुंचनी चाहिए ऑल इंटेंडेड बेनिफिशरीज यानी जितने भी इंटेंडेड यानी जिनको आपको देना है उन सभी लाभार्थियों तक वो कैश सप्लीमेंट्स क्या होना चाहिए, शुड रीच, उन्हें मिलना चाहिए, उन तक पहुंचना चाहिए। दिस नीड्स टू बी अंडरस्कोर, अंडरस्कोर मींस बल देना, याद है आपको किसी चीज पे प्रेशर देना, इंफेसाइज करना, स्ट्रेस करना। दिस नीड्स टू बी अंडरस्कोर यानी इस चीज पर बल दिया जाना चाहिए एज अ सर्वेज ऑफ वर्कर्स हु लॉस्ट जॉब्स आफ्टर द पेंडेमिक इंडिकेट राइजिंग हंगर लेवल्स एंड मिसिंग फाइनेंशियल सपोर्ट। बढ़िया लाइन बच्चों देखें, दिस नीड्स टू बी अंडरस्कोर, इस चीज पे बल दिया जाना है, किस चीज पे, कैश सप्लीमेंट्स मिलते रहे यानी कैश सप्लीमेंट्स जितने इंटेंडेड बेनिफिशरीज हैं लाभार्थी हैं उनको मिलना चाहिए। पीडीएस जो है वो सभी राज्यों में क्या होना चाहिए, मस्ट बी प्रोवाइडेड, प्रदान किया जाना चाहिए। तो कह रहे हैं कि दिस नीड्स टू बी अंडरस्कोर, इस चीज पे बल दिया जाना चाहिए, क्यों, एज क्योंकि सर्वेज ऑफ वर्कर्स यानी वो वर्कर्स जो वर्कर्स थे उन पर जो सर्वेज है यानी जो पर्यवेक्षण किए गए हैं, हु लॉस्ट जॉब्स जिन वर्कर्स ने अपनी नौकरियां खो दी यानी वो वर्कर्स जिनकी नौकरियां चली गई उन पर जो सर्वेज हुए हैं आफ्टर द पैंडेमिक, किसके बाद, पैंडेमिक के बाद, पैंडेमिक के बाद जब जो जॉब्स चली गई उन वर्कर्स पर जो सर्वेज हुए हैं वो सर्वेज इंडिकेट, वो सर्वेज इशारा करते हैं राइजिंग हंगर लेवल्स की, जो हंगर का लेवल है, भूख का लेवल है राइजिंग, वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एंड मिसिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, और जो फाइनेंशियल सपोर्ट आर्थिक सहायता है मिसिंग, क्या हो रही है, कहीं कहीं पीछे छूट जा रही है, उन तक पहुंच नहीं पा रही है। सम सेक्शंस, कुछ ऐसे भाग हैं सच एज दलित, जैसे दलित हैं, वीमेन यानी महिलाएं हैं, एंड लो स्किल्ड वर्कर्स और जो कम श्रम वाले, कम क्षमता वाले जो वर्कर्स हैं, तो ऐसे कुछ सेक्शंस हैं आर इवन वर्स ऑफ, इनकी स्थिति जो है इवन वर्स ऑफ और बदतर होना। जब आप लेस फॉर्चुनेट होते हैं तो आप वर्स ऑफ करते हैं, यानी जो दलित हैं, महिलाएं हैं, लो स्किल्ड वर्कर्स हैं, इनकी जो कंडीशन है इवन वर्स ऑफ, वो स्थिति और भी क्या है, बदतर है, खराब है। फॉर द एल्डरली वल्नरेबल इंडिविजुअल्स एंड चिल्ड्रन बिलो 10, समझ रहे होंगे, वो एल्डरली यानी जो वृद्ध लोग हैं, वल्नरेबल इंडिविजुअल्स यानी जो शोषित इंडिविजुअल्स हैं, लोग हैं, एंड चिल्ड्रन बिलो 10 और जो 10 साल की उम्र से कम के बच्चे हैं, उनके लिए, फॉर उनके लिए द सेंटर्स एडवाइस इज, उनके केंद्र सरकार की सलाह है, क्या है, इज वो सलाह है टू शेल्टर इन प्लेस, कि वो स्थान पर, एक स्थान पर क्या है, शेल्टर पड़े रहें इवन ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज यानी इस राहत वाले चरण में भी वो अपने स्थान पर क्या रहें, शेल्टर, शरण लिए रहें, यानी वहां से जाए ना, कौन, वृद्ध लोग, वल्नरेबल इंडिविजुअल्स यानी वो लोग जो आसानी से शिकार हो सकते हैं, एंड चिल्ड्रन बिलो 10 और 10 साल से कम की उम्र के बच्चे। दिस इज मेडिकली साउंड, साउंड मीन्स केवल आवाज ही नहीं होती, साउंड मीन्स ठोस भी होता, अच्छा। दिस इज मेडिकली साउंड एडवाइस यानी यह मेडिकली स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साउंड एडवाइस, एक ठोस सलाह है, अच्छी सलाह है, बट लेकिन कैन नॉट बी डन ओवर अ लॉन्ग पीरियड, लेकिन इस सलाह को आप लंबे समय तक, फॉर ओवर लॉन्ग पीरियड, एक लंबे समय तक आप ऐसा कर नहीं सकते हैं इन बिग सिटीज, कहां, बड़े शहरों में, क्यों, एज क्योंकि
दे कैन नॉट एक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज एट देयर डोर स्टेप, क्योंकि उनके दरवाजे पर वो जो सामान हैं एंड सर्विसेज सेवाएं हैं कैन नॉट एक्सेस, पहुंच नहीं सकते हैं। सिंपली बिकॉज, बिल्कुल साधारण रूप से समझा जा सकता है, क्योंकि दे आर क्लासिफाइड एज अ नॉन एसेंशियल, क्योंकि वो गुड्स और वो सर्विसेज आर क्लासिफाइड, उन्हें वर्गीकृत किया गया है एज नॉन एसेंशियल, कि वो गुड्स वो सर्विसेज नॉन एसेंशियल मीन्स क्या है, आवश्यक नहीं है, और आवश्यक नहीं है तो आपके डोर स्टेप तक नहीं पहुंच सकते। किनके? वो जो एल्डरली हैं, वल्नरेबल इंडिविजुअल्स हैं, एंड चिल्ड्रन बिलो 10 है। ठीक है, द कोर्स ऑफ कोविड 19 इन द वीक्स एहेड, यानी जो आने वाले सप्ताह हैं, एहेड मीन्स आगे, जो आगे आने वाले सप्ताह हैं उनमें जो कोविड 19 का कोर्स है, रास्ता है, इज बाय नो मीन्स प्रेडिक्टेबल, बाय नो मीन्स प्रेडिक्टेबल, यानी किसी भी तरीके से प्रेडिक्टेबल है बिल्कुल, यानी प्रेडिक्टेबल, आप अनुमान लगा सकते हैं, यानी विशेष रूप से बाय नो मीन्स आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले सप्ताहों में कोविड 19 का रास्ता क्या होगा। एंड और द सेंटर रिकॉग्नाइजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू रूरल क्लस्टर्स, और सेंटर को कहीं कहीं पहचान है क्या, द पॉसिबिलिटी, उस संभावना की, ऑफ न्यू रूरल क्लस्टर्स, कि जो ग्रामीण इलाके हैं रूरल क्लस्टर्स, वहां गुच्छे के रूप में, यानी समूह के रूप में क्या होंगे, संक्रमण होंगे इमर्जिंग, यानी समूह के रूप में कहीं कहीं उभर करके संक्रमण आएंगे ड्यू टू लार्ज स्केल रिटर्न ऑफ माइग्रेंट्स, क्योंकि देहात में गांवों में लार्ज स्केल ऑफ रिटर्न ऑफ माइग्रेंट्स, यानी वो जो प्रवासी मजदूर हैं, लार्ज स्केल रिटर्न होगा, बड़े स्तर पर उनकी क्या होगी, वापसी होगी, तो पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू रूरल क्लस्टर्स इमर्जिंग, तो निश्चित ही वहां समूह के रूप में संक्रमण भी फैलेगा। एंड द सेंटर रिकॉग्नाइजेस द पॉसिबिलिटी, और ऐसी संभावना को कहीं कहीं सेंटर, केंद्र सरकार मानता है, पहचानता है। लास्ट बच्चों, वेदर इन द सिटीज आर द कंट्री साइड, जब वेदर के साथ आर हो तो वेदर का अर्थ क्या हो जाता है, चाहे, क्या हो जाता है बच्चों, चाहे हो जाएगा, तो वेदर इन द सिटीज, चाहे शहरों में हो, आर द कंट्री साइड, कंट्री साइड जब ऐसे लिखा हो तो ये गांव हो जाता है, देहात, चाहे शहरों में हम बात करें, चाहे गांवों में बात करें, अनलॉक वन मस्ट प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज मीन्स क्या होता है, देखिए आई एस ई है ना, ये वर्ब हो जाएगी, यानी चाहे हम गांवों में बात करें, चाहे शहरों में बात करें, अनलॉक वन जो एक तारीख से शुरू हुआ है, मस्ट प्रायोरिटाइज, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए सम एक्शंस, कुछ कार्यों के, यानी अनलॉक वन में कुछ कार्यों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, कौन से कार्य, क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, क्या किए जाए, सार्वजनिक रूप से जागरूकता का निर्माण किया जाए दैट द वायरस इज प्रेजेंट, कि अभी वो वायरस क्या है, उपस्थित है, ये मत सोचिए अब अनलॉक वन आ गया तो सब कुछ ओपन हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, यानी कहीं कहीं पब्लिक अवेयरनेस हो, लोगों को जागरूक किया जाए इस बात से कि द वायरस इज प्रेजेंट, कि अभी भी वो वायरस प्रेजेंट है। रैंप अप टेस्टिंग, और क्या किया जाए, रैंप अप याद है एक बार पढ़ा था आपने, इंक्रीज करना, किसी लेवल को बढ़ाना, रैंप अप करना, रैंप अप टेस्टिंग, यानी टेस्ट क्या किए जाए, बढ़ाए जाए, प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाए, एंड और इंटेंसिवली मॉनिटर रिलीफ मेजर, इंटेंसिवली गहन तौर पर, यानी सीरियसली गहराई से मॉनिटर, निगरानी की जाए रिलीफ मेजर्स, किनकी, जो हमारे राहत के उपाय हैं उनकी गहराई से क्या की जाए, निगरानी की जाए, जांच की जाए। ठीक है, अच्छा लगा होगा बच्चों आपको, देखें मेन वर्ड जो आपने पढ़े अभी, अब रिवीजन कर लें सारे वर्ड जरूर, आप मेरा भले वहां पे थोड़े से फास्ट में हो जाता हूं वर्ड्स पढ़ाते, सेंटेंसेस पढ़ाते समय, बट ये जरूर आप अच्छे से पढ़ा करें, कॉशन चेतावनी या कोई सावधानी हो जाएगा। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस प्रतिबंध, अंडरटेक कार्य करना संभालना, अनविटिंगली अनइंटेंशनली अनजाने में ही अननोविंगली,
मेजर्स मीन्स मेथड्स उपाय, परसुएडेड किसी को मना लेना, कन्विंस कर लेना, मिजरी डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स परेशानी, अंडर स्कोर इम्फेसाइज करना बल देना, वल्नरेबल दैट आर इजिली टू बी विक्टिमाइज्ड यानी ऐसे लोग जो आसानी से शिकार किए जा सकते हो, मीन्स शोषित पीड़ित, क्लस्टर समूह गुच्छे ये कलेक्टिव नाउन है आपका, रैंप अप इनक्रीज बढ़ना लेवल बढ़ना, रिजम्पशन रीस्टार्टिंग यानी किसी चीज की फिर से शुरुआत, कंटेनर प्रतिबंधित करना रोकथाम करना इसी से कंटेनमेंट जोन बनाया बच्चों, इंश्योर याद हो गया होगा सुनिश्चित कर देना सर्टिफाई कर देना, स्प्रेडर्स स्प्रेड करने वाले फैलाने वाले, मैंडेट नाउन के रूप में शासनादेश जनादेश और वर्ब के रूप में दिशा निर्देश देना इंस्ट्रक्ट करना, कॉन्ट्रैक्शन संकुचन होता है संकुचित होने का कार्य लेकिन और एक वर्ब के रूप में प्रेशर दबाव, यूनिवर्सल सार्वभौमिक दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर जो हर जगह व्याप्त हो, पैंडेमिक आपको याद हो गया 3, 4, 5, 10 बार आपने पढ़ लिया महामारी पेस्टिलेंस, साउंड आवाज भी होता है और एक इनकोएटिव वर्ब के रूप में साउंड में ठोस भी होता है, कंट्रीसाइड देहात रूरल एरिया, इंटेंसिवली सीरियसली गहनतापूर्वक गहराई से, विजिल जब आप अवेयरनेस दिखाएं मीन्स सतर्कता दिखाएं जागरण करें, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कार्य, रिटेन बनाए रखना मेंटेन करना रोके रखना कह सकते हैं, इंसिडेंस उदाहरण घटना, स्पिटिंग थूकने का कार्य, कमिटमेंट डेडिकेशन डिवोशन, इंटेंडेड टारगेटेड अर्थात जो आपके लक्ष्य में हो, वर्ष ऑफ बदतर होने वाला यानी और खराब, प्रेडिक्टेबल जिसका अनुमान लगाया जा सकता हो संभावित, अवेयरनेस जागरूकता, एहेड आगे, एक्नॉलेज स्वीकार करना, मॉडेस्ट साधारण विनम्र के सेंस में भी मॉडेस्ट का यूज करते हैं, कर्ब लगाम लगाना नियंत्रित करना, अप्रोच सोच दृष्टिकोण, वर्षन बदतर कर देना वर्ब हो जाएगी यहां पे आपका, मिटिगेट किसी क्रोध या दर्द को कम करना असुवस करना, बेनिफिशियरी लाभार्थी जो लाभ ले रहा है वो बेनिफिशियरी होता है और जो लाभ दे रहा होता है वो बेनिफैक्टर होता है बेनिवोलेंट होता है, रिगोरस कठोर दृढ़ सीवियर हार्ड, गैदरिंग शो मीन्स भीड़, इंप्लीमेंटिंग किसी चीज को लागू करने का कार्य क्रियान्वित करने का कार्य, और कर्टेलमेंट छोटा काट छांट करने का कार्य। ठीक है बच्चों, अच्छा लगा आपको ऐसे वर्ड्स तैयार करेंगे, फिर जब मैं पढ़ा लूं बाद में भी आप देख लें क्या ये सारे वर्ड्स तैयार हैं, देखेंगे आसान हो जाएगी वर्ड पावर आपकी जिसका हमेशा हम लोग को दुख रहता था। ये मैंने 4 वर्ड्स आपको दिए, प्रेडिक्टेबल का कैसे यूज करते हैं, मिजरी कैसे करते हैं, कॉशन कैसे करते हैं, इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, ये सारे वर्ड्स हिंदी मैंने दिए, जरूर देख लीजिएगा बच्चों और अपना जो सपोर्ट है बच्चों बनाए रखें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताते रहें, जो बच्चे सब्सक्राइब न किए हों वो जरूर करते रहें और अपना राय प्रतिदिन रखा करें बच्चों कि हाँ आज का सेशन कैसा रहा, जरूर बताया करें, इससे आपकी बेइज्जती नहीं हो जाएगी बच्चों, इससे मुझे पता चलेगा आप कितना मन लगा रहे हैं, कितना सोचते हैं मेरे बारे में या मेरे पढ़ाने के बारे में, मैटर के बारे में, चीजें धीरे धीरे मैं ले आऊंगा जहां आपको ये पूछा जाएगा कि आप 200 शब्दों में बताइए कि हाँ इस एसे या आप जो एडिटोरियल आपने पढ़ा उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इससे लिखना आएगा आपको, चीजें और एक्सटेंड करना आएगा, उन्हें बढ़ाना आएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में 9 बजे, अगर मुझे एक्स्ट्रा सेशन नहीं देना होगा तो 9 बजे हम कल आपसे मिलते हैं जहां हमारे आपके पास एक नया सेशन होगा, नई ऊर्जा और नए विश्वास के साथ नए एडिटोरियल को हम फेस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, नाइस टू सी यू जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू वर्चुअली, ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।